राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। ओके, तो सर्च क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एग्ज़ाम। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट। ओके, एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट, इस पर आपको दबा देना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसको सर्च कर देता हूँ, ये रहा। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको आपको ऊपर करना है, और यहाँ पर इस पर आपको बिल्कुल नहीं दबाना है, पहले वाले पर बिल्कुल नहीं दबाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास दूसरी लिंक आएगी एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट, तो इस पर आपको दबाना है। तो दबाने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पर दबाएंगे, दबाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर उसके बाद आपको इसको ऊपर करना है, और यहाँ पर आप ध्यान रहे आपका होम पे ही होना चाहिए ये। ओके, तो आप दोस्तों नीचे आके देखेंगे यहाँ पर न्यू अपडेट्स। ओके, जो हाल ही में आई अपडेट्स है, न्यू अपडेट, यहाँ पर आपका CBSE का रिजल्ट जारी कर दिया गया, छत्तीसगढ़ का, MP बोर्ड, राजस्थान 8वीं 5वीं। ओके, यहाँ पर कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट की वेबसाइट ये रही। ओके, 2023 का ये आप देख लीजिए, और न्यू है जो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको करना क्या है दोस्तों, ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर ये रही। ओके, इसमें आप देख सकते हो एग्ज़ाम नेम्स, ये रहा। ओके, कौन कौन से एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर यहाँ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो आपको रिजल्ट के लिए यहाँ पर नीचे आना है और इस पर दबाना है। ओके, यहाँ पर चेक RBSC क्लास 10th रिजल्ट। ओके, तो आपको हेयर क्लिक पर दबाना है। ओके, तो हेयर क्लिक पर दबाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा यहाँ पर RBSC रिजल्ट। तो आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लगाने और नीचे आपको यह कैप्चर लगा देने। ओके, तो यहाँ पर कैप्चर लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट पर दबा देना है। ओके, अगर आपका जब भी रिजल्ट नहीं खुलता है तो आपको रिसेट के ऑप्शन पर दबाकर फिर दोबारा भी आपको रोल नंबर लगाने है। ओके, कैप्चर लगाने और कैप्चर चेंज कर लेने, अगर नहीं खुलता है तो दोबारा। ओके, फिर आपको सबमिट पर दबा देना है, तो आपका रिजल्ट खुल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।